हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे जीपी का क्वेश्चन। सेकंड सितंबर फर्स्ट शिफ्ट 2020 का क्वेश्चन बेटा हम डिस्कस करेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज एस। बेटा जीपी की थ्री टर्म्स का सम गिवन है एस एंड देयर प्रोडक्ट इज 27 एंड प्रोडक्ट बेटा गिवन है 27। देन ऑल सच एस लाइज बिटवीन बेटा एस फाइंड आउट करना है कि जो सम है वो किसमें लाई करेगा आपका। देखो बेटा अगर बेटा जीपी में प्रोडक्ट इज गिवन आ जाए, अगर बेटा प्रोडक्ट गिवन है देन हम थ्री नंबर सिलेक्ट करेंगे। जीपी के सिलेक्शन ऑफ टर्म्स है बेटा, अगर प्रोडक्ट गिवन है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स है फॉर जीपी बेटा हम थ्री नंबर सिलेक्ट करेंगे ए बाय आर ए एंड ए आर। नाउ बेटा इसका प्रोडक्ट गिवन है 27। बेटा प्रोडक्ट 27 गिवन है, यूज करो ए बाय आर इंटू ए इंटू ए आर इज इक्वल टू 27। बेटा आर कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 27। वैल्यू ऑफ ए बेटा वैल्यू ऑफ ए आ जाएगा आपके पास बेटा, अगर वैल्यू ऑफ ए 3 है इट मींस अगर बेटा वैल्यू ऑफ ए 3 है आपके 3 नंबर्स आ जाएंगे बेटा 3 बाय आर एंड 3 आर एंड बेटा सम गिवन है एंड सम इज एस। बेटा सम ऑफ दीज थ्री टर्म्स इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू एस। देखो बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड टर्म 3 कॉमन आ जाएगा, दिस टर्म इज इक्वल टू 1 बाय आर प्लस 3 इज इक्वल टू एस बन जाएगा। क्लियर है टर्म बेटा? नाउ दिस टर्म इज इक्वल टू 3 आर प्लस 1 बाय आर प्लस 3 इज इक्वल टू एस है बेटा। इंटरवल फॉर एस फाइंड आउट करना बेटा। वन थिंग, एक बहुत अच्छा रिजल्ट है बेटा द नंबर बेटा रिजल्ट चेक करना, मैं एक रिजल्ट लिखूंगा बेटा आपके लिए। द सम रिजल्ट चेक करना बेटा, वन रिजल्ट द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल नेवर lies between minus 2 and 2। बेटा बहुत अच्छा रिजल्ट है। कोई भी नंबर एंड उसका रेसिप्रोकल का अगर आप सम करोगे बेटा, मिनिमम से मिनिमम कोई भी नंबर लगाओ, मिनिमम अगर आप 1 भी लिखोगे रेसिप्रोकल 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, अंदर नहीं लाया करेगा। एंड बेटा अगर मैं 1.5 मींस 1 बाय 2 लिखोगे बेटा रेसिप्रोकल करोगे 2 हो जाएगा, ऐड करोगे 2.5 आ जाएगा। मींस बेटा कोई भी नंबर एंड इसके रेसिप्रोकल का सम माइनस टू एंड टू के अंदर लाई नहीं करेगा। द नंबर द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल नेवर लाइज बिटवीन माइनस टू एंड टू अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन बेटा, अगर आर है एंड इसका रेसिप्रोकल 1 बाय आर है, दिस नंबर नेवर लाइज बिटवीन माइनस टू एंड टू बेटा, ये टर्म माइनस टू एंड टू के अंदर लाई नहीं करेगी। मैं क्रॉस कर रहा हूं बेटा, दिस नंबर नेवर लाइज बिटवीन माइनस टू एंड टू। नाउ बेटा अगर नंबर माइनस टू एंड टू के अंदर लाइन नहीं करेगा, देखो मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे मींस 3 आर प्लस 1 बाय आर नेवर लाइज बिटवीन माइनस 6 एंड 6, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 इन ऑल द टर्म्स करोगे बेटा लाइन नहीं करेगा नंबर। बेटा एड 3 करोगे, अगर आप एड 3 करोगे इन ऑल द 3 टर्म्स एड 3 बेटा दिस नंबर इज लेस देन 9, 6 प्लस 3 9 एंड दिस साइड बेटा माइनस बेटा ये भी नंबर लाइन नहीं करेगा। मतलब जो हमारा नंबर है बेटा जो एस है इट्स नेवर लाइज बिटवीन माइनस 3 एंड 9 बेटा, ये नंबर माइनस 3 एंड 9 में लाइन नहीं करेगा बेटा। अगर ये नंबर माइनस 3 एंड 9 में लाइन नहीं करेगा मींस लाई कहां करेगा बेटा, आप नंबर लाइन के अकॉर्डिंग सोचो बेटा। अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी दिस टर्म इज माइनस 3 9 बेटा, सोच के देखो कि नंबर जो है माइनस 3 एंड 9 के अंदर नहीं आएगा, दिस टर्म नॉट लाइज बिटवीन दिस टर्म, तो हमारा आंसर जो आएगा बेटा मोर देन 9 आ जाएगा और लेस देन 3 हो जाएगा, मतलब माइनस 3 भी इंक्लूड करेगा 9 भी इंक्लूड करेगा। ऑप्शन देखोगे तो बेटा माइनस इंफिनिटी टू आपका आंसर हो जाएगा बेटा माइनस इंफिनिटी टू 3 माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3 यूनियन 9 टू इंफिनिटी बेटा, ये फाइनल आंसर है सी ऑप्शन माइनस इंफिनिटी टू 3 यूनियन 9 टू इंफिनिटी बेटा, सी ऑप्शन फाइनल आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू।